देखिए सूप के द्वारा पापा पछुआ। हेलो गाइज, नमस्ते। तो देखिए आज से आज का ब्लॉग हम लोग नए वाले घर से शुरू कर रहे हैं। और इधर देखिए प्रतिमा बैठी हुई है और रियांशी परी देखिए खेल रही हैं, किचन सेट सब लेकर खेल रही हैं। हाँ, और कई दिनों से फ्रेंड्स मेरा तबीयत ज़्यादा खराब हो गया था, देख सकते हैं, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। तो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से ब्लॉग डाल रहा हूँ। तो ये देखिए नए वाले घर में ऐसे है, पूरा हॉल है, तो इसमें हम लोग केवल वीडियो बनाने के लिए आए हुए हैं। तो ठीक है गाइज, आज दिखाते हैं, अभी कुछ हम लोग काम करने जा रहे हैं। गेहूं पक चुका है और इधर प्रतिमा पीछे पीछे तो ये बाकी लेके आई है। तो हम लोग आए हैं गेहूं का जो बाल है, जो देखिए थोड़ा हरियर हरियर है। हाँ, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इसका हम लोग बनाएंगे हो रहा। तो काटो आपको दिखाते हैं जो हरा हरा है, और नीचे से काटो, भूजना भी पड़ेगा ना। ये देखिए जो हरा हरा है, इसमें दाना भी पड़ चुका है। काटो काटो, बनाएंगे इसका सब काट लो, सब काट लो ना उसको, वो भी काट लो, वो कभी कच्चा है सूखा है। तो ऐसे ऐसे चुन के तो गाइस हम लिए हैं गेहूं और ये लिए हैं चना, जिसे रहिला भी बोलते हैं, रहिला भी बोलते हैं बहुत लोग गांव में। तो अब आगे इसका क्या होगा उसको हम दिखाएंगे। तो ठीक है, पहले प्रतिमा क्या करोगी, नमक मिर्च। हाँ, नमक मिर्च के लिए आप चलते हैं, धनिया लहसुन अदरक लेके आएंगे अदरक। पीसने के बाद उसके बाद आगे क्या होगा उसको हम दिखाएंगे। हाँ, कवर नहीं रहा है लहसुन, खुरपी का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। देखिए हम लहसुन ले लिए हैं, बकला का दाल बन रहा है, ये बकला है, इसका दाल भी बहुत अच्छा लगता है और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। तो उधर उतना है और इधर है, तो देखिए मैं इसको फटक रही है, उधर ये सब खेल रही हैं, उधर दादी बैठी हुई हैं और उधर देखिए देखिए गाय से दूध निकल रहा है। और तो आसमान में पूरा बादल छाए हुए हैं, लग रहा है कि बारिश होगी ही होगी। ये हरा हरा है काफ़ी मस्त। और उधर देखिए सूप लेके आई है। तो ठीक है, पापा उस बांस से उठाए हैं ताकि आग अच्छे से जले और वो जो जलने ना पाए। तो जल्दी जल्दी भूज के दिखाते हैं। सूप के द्वारा पापा पछोर रहे हैं और पछोर पछोर के देखिए इसमें रख रहे हैं और काफी मस्त लग रहा है। तो ठीक है, आगे दिखाते हैं। और देखिए सब लोग अपना ले ले खाने भी लगे, दो दो दाना, दो दो दाना। तो देखिए गेहूं का है, इसको हम लोग इसको खाने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इसको बनाने में, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मस्त लगता है। के उधर पापा भी आ गए। पहले हम खाएंगे।
ये देखिए कच्चे कच्चे दाने का कितना मस्त लग रहा है और पूरा हाथ काला हो गया, तो ठीक है इसको हम खाते हैं। और उधर नमक और मिर्च, तो उसके साथ हम लोग तो ये देखिए ये गेहूं का कितना मस्त है ये, अब इसको खाया जाएगा। तो जो हो रहा था हम लोग खा चुके हैं, और इधर देखिए आ गया है ये जो है जो गुड़ होता है खांड का ये शरबत दही डाल के। तो अब एक एक गिलास इसको पीने के बाद आज तो खाना घर पे बनेगा नहीं, क्योंकि होरहा बहुत ज़्यादा हम लोग खा लिए हैं। हम लोग जो हो रहा था उसको खाकर चले आए हैं, और यहाँ पे सोने के लिए देखिए पीछे बेड है यहाँ पे सोने के लिए, और साथ में देखिए उरियांसी भी आई है साथ में, और परी होमवर्क करने जा रही है। तो ठीक है गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।